स्टूडेंट्स, आज क्लास नाइन्थ में जो मेरी नेक्स्ट थ्योरम है, अभी थ्योरम चल रही है आपकी, जो नेक्स्ट थ्योरम है उसमें बोला गया है जो कॉर्ड्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, यानी जो सेंटर से इक्विडिस्टेंस पे कॉर्ड होती है वो आपस में क्या होती है, इक्वल। ये मुझे प्रूव करना है, ठीक है। तो पहले फिगर कंप्लीट करते हैं। कोई एक ये कॉर्ड हो गई आपकी ए बी और दूसरी कॉर्ड हो गई सी डी। बोला गया है ये दोनों कॉर्ड्स जो हैं सेंटर से इक्वी डिस्टेंस पे, यानी ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या हो, इक्वल। ये ओ मान लिया, ये मान लिया एम, ये मान लिया एम। यहां ये हो गया ओ एम और ओ एल इक्वल दे रखा है, ये में क्या है, गिवन है। क्या है, गिवन, ठीक है। तो क्वेश्चन में बोला ये गया है, ये थ्योरम आपकी है, बोला गया है कॉर्ड्स इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर आर इक्वल इन लेंथ, यानी जो कॉर्ड्स ए बी और सी डी क्या इक्वल हो, कोई दिक्कत नहीं। अपने मन से तो कंस्ट्रक्शन कर लेंगे, और कंस्ट्रक्शन क्या कर लेंगे हम लोग, रेडियस को क्या करा लेंगे हम लोग, जेड, क्या कर लेंगे, जेड, ठीक। तो यहां पे आपको गिवन क्या है, आपको गिवन है अ सर्कल विथ सेंटर ओ, एक सर्कल है जिसके सेंटर क्या ओ, एंड सेंटर उसका ओ है एंड रेडियस आर, ये आर रेडियस, तो ए बी आर, ए बी आर और ए बी आर, ठीक है। एंड गिवन आपको क्या, एंड गिवन है आपको ओ एम इक्वल टू ओ एन। तो लिखोगे अ सर्कल विद सेंटर ओ, रेडियस आर, रेडियस क्या है उसकी आर, एंड ओ एम इक्वल टू ओ एन, ये भी आपको गिवन है, ठीक है। टू प्रूव, आपको प्रूव क्या करना है, आपको प्रूव करना है ए बी और सी डी आपका इक्वल है, ये आपको प्रूव करना है ए बी सी डी इक्वल है। कंस्ट्रक्शन, ज्वाइन ओए को ज्वाइन किया, कंट्रक्शन अपने मन से किया, ओए को ज्वाइन किया है, ओ बी को ज्वाइन किया, ओ सी को ज्वाइन किया एंड ओ डी, ठीक है। अब आप लोग प्रूफ देखिएगा, प्रूफ क्या होगा आपका, प्रूफ की बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले लेंगे इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए एम ओ एंड ट्रायंगल डी एन ओ, एक ट्रायंगल आपको ये हो गया फर्स्ट और ये हो गया सेकेंड डी एन ओ, ठीक। मुझे गिवन है क्या ओ एम इक्वल टू ओ एन, ये क्या है आपको गिवन, क्या है गिवन, ये क्वेश्चन में ही बोला गया है कि ओ एम और ओ एन इक्वल है, ठीक है। दूसरी चीज यहां पे OA जो आपकी होगी OA वो इक्वल आपकी हो जाएगी किसके, ये जो OA होगी वो इक्वल हो जाएगी OD की, क्या है रेडियस, ठीक है। एक चीज हमने थ्योरम, पिछली थ्योरम में आपको प्रूव कराया था कि अगर कोई परपेंडिकुलर यहां पे ड्रा करते हैं, ये एंगल आपका परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो ध्यान सुनिएगा, जब ये परपेंडिकुलर होगा देखते हैं एंगल मिल गया आपको, या फिर यहां से आपका जो ए एम होगा, ए एम नहीं तो हम एंगल ले लेते हैं, सीधे सीधे एंगल लेते हैं, एंगल ए एम ओ इक्वल एंगल डी एन ओ, यानी ये एंगल और ये एंगल आपका क्या होगा इक्वल। तो यहां से आपका क्या हुआ बेटा, यहां से ये हुआ ट्रायंगल ए एम ओ
कॉन्गुएंट हो गए ट्रायंगल डीएनओ के बाई आरएचएस, आरएचएस आपको क्या होगा कॉन्गुएंट, तो बाई सीपीसीडी, बाई सीपीसीडी क्या हो जाएगा आपका एएम जो हो जाएगा इक्वल हो जाएगा किसके बेटा डीएन के। सिमिलरली ऐसे ही अगर आप ये वाला ट्रायंगल लेंगे थर्ड और फोर्थ, तो यहां पे आपका जो ये होगा बीएम आपका इक्वल किसके हो जाएगा सीएन के। आगे बात करते हैं लोग, इतना हो गया आपका। मेरा ये एएम इसके इक्वल है और बीएम इसके इक्वल है, यानी कि आपकी आंस क्या हो गई एबी इक्वल हो गई सीडी के, ये हो गया आपका प्रूफ। आप ऐसे भी कर सकते हैं एएम और बीएम को ऐड करिए, एएम प्लस बीएम एबी आ जाएगा और डीएम प्लस सीएन क्या जाएगा सीडी इक्वल हो गया। ये थ्योरम हुई। नेक्स्ट थ्योरम की बात करते हैं, नेक्स्ट थ्योरम जो आपकी है उसमें बोला गया है द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट सर्कमफेरेंस। यानी आपको प्रूव ये करना है अगर कोई आर्क हमने मान ली, ये कोई आर्क है ए बी आपका कोई आर्क है, ये एक सेंटर पे एंगल सबटेंड करता है और एक एंगल जो सबटेंड करता है आपका सर्कमफेरेंस पे, सर्कमफेरेंस पे यानी ये जो एंगल होता है ये मान लिया ओ और ये मान लिया हमने सी। तो आपको प्रूव करना है टू प्रूव कि जो सेंटर पे एंगल ए ओ बी बनता है आपका ए ओ बी वो ट्वाइस होता है एंगल ए सी बी के, यानी इसका क्या होगा ट्वाइस होगा, ये मुझे प्रूव करना है। ठीक है, तो सबसे पहले गिवन क्या है आप लिख लोगे सीधे सीधे, बार बार मैं दिखाने की जरूरत नहीं, मैं प्रूफ बताऊंगा गिवन क्या क्या है आपका। यहाँ पे गिवन है अ सर्कल विद सेंटर ओ एंड रेडियस आर, रेडियस क्या होगी आर, ये रेडियस है इसकी तो सिमिलरली रेडियस आर होगी। ठीक है, ये रेडियस आर, ये रेडियस आर। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे गिवन में अ सर्कल विद सेंटर ओ एंड रेडियस आर, और गिवन क्या है बस इतना ही गिवन है। आपको कंडक्शन क्या करना है, हम कंडक्शन ये करेंगे ड्रा अ लाइन थ्रू सी विच पास थ्रू सेंटर ओ, यानी एक लाइन ड्रा करनी, ड्रा अ लाइन सीएम, ड्रा लाइन सीएम विच पास थ्रू ओ, ये आपको कंडक्शन में लिखना है। लिखोगे सबसे पहले गिवन में अ सर्कल विद सेंटर ओ एंड रेडियस आर। ठीक है, फिर आगे आपको गिवन है एक एंगल AOB है, ठीक ये एंगल गिवन है, प्रूफ पे करना है, लिखोगे टू प्रूफ में लिखोगे एंगल AOB जो है वो ट्वाइस है एंगल ACD के। ठीक है बेटा, कंटेक्शन क्या करेंगे ड्रा अ लाइन CM व्हिच पासेस थ्रू O। ठीक है, अब प्रूफ की ओर चलते हैं लोग, प्रूफ कैसे करेंगे प्रूफ देखिएगा बहुत ध्यान से बेटा। सबसे पहले हम देखेंगे यहां पे दो ट्रायंगल आपको दिख रहे हैं, इन ट्रायंगल ए ओ सी एंड ट्रायंगल बी ओ सी। ठीक है, तो बेटा सबसे पहले बात करेंगे ये रेडियस है और ये भी रेडियस है। ठीक है, तो यहां लिखोगे पहले बात करेंगे इन ट्रायंगल ए ओ सी में, जब ए ओ सी में बात करेंगे तो यहां लिखेंगे ओ सी इक्वल टू ओ ए, ये आपकी क्या है बेटा रेडियस है, क्या है रेडियस। जब OC इक्वल टू OA रेडियस होगी, किसी भी ट्रायंगल की अगर दो साइड इक्वल होती है तो आपका आइसोसेलिस ट्रायंगल हो जाता है, और दो साइड जो इक्वल होती है उनके सामने का एंगल भी इक्वल होता है, यानी इसके सामने का ये एंगल और इसके सामने की एंगल क्या हो जाएगा इक्वल, यानी यहां से एंगल OAC इक्वल हो जाएगा एंगल OCA के, ओ ए सी इक्वल होगा ओ सी ए, यानी दो एंगल ये इक्वल हो गए। ठीक है, जब ये दो एंगल इक्वल हो गए आगे हम बात करते हैं। सिमिलरली अब हम ले लेंगे इन ट्रायंगल, थोड़ा सा और बात कर लेते हैं,
एक थ्योरम होती है स्टीरियर एंगल जो होता है, ये स्टीरियर एंगल सामने के तो इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है, तो स्टीरियर एंगल यहां पे क्या है, ए ओ एम, ए ओ एम ये इक्वल होगा सामने के दो एंगल के सम के, सामने दो एंगल क्या है, एंगल ओ ए सी प्लस एंगल ओ सी ए। देखो इसके सामने दो एंगल क्या होंगे, एक ये होगा एक ये होगा, तो ये जो एक्सटीरियर एंगल होगा सामने के दो इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होगा, ये थ्योरम होती है आपकी, ठीक है। तो ए ओ एम जो है, ए ओ एम इक्वल होगा ओ ए सी प्लस ओ सी ए, ठीक है। मुझे यहां पे पता है जहां ओ ए सी लिखा हुआ है वहां पे हम ओ सी ए लिख सकते हैं, क्योंकि मुझे एंगल सी चाहिए, कौन सा एंगल चाहिए, सी, रूबी में एंगल सी चाहिए, यहां पे सी चाहिए ना, तो हम सी को ही लिख चलना है, जहां ओ सी लिखा हुआ ओ सी लिख सकते हैं, तो एंगल ओ ए ओ एम इक्वल टू एंगल ओ सी ए प्लस एंगल ओ सी ए, तो सेम एंगल ए ओ एम हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एंगल ओ सी ए, ये क्वेश्चन हो गया आपकी फर्स्ट। सिमिलरली हम अब बात करेंगे इन ट्रायंगल बी ओ सी, बी ओ सी की बात करेंगे, तो यहां भी बेटा ओ सी और ओ बी इक्वल है, क्योंकि ये क्या है, रेडियस है आपकी, क्या है, रेडियस, सेम प्रोसेस वही होगा, जब ये दो साइड यानी रेडियस इक्वल होगी तो इनके सामने के ये एंगल इसके और इसके सामने के ये एंगल भी क्या जाएगा इक्वल, यानी यहां भी एंगल ओ बी सी इक्वल होगा एंगल ओ सी बी, ओ बी सी इक्वल होगा ओ सी बी के। जब यहां पे भी एक्सटीरियर एंगल की बात करेंगे तो एंगल बी ओ एम इक्वल होगा ट्वाइस, सॉरी इक्वल होगा सेम यहीं पे ट्वाइस ऑफ एंगल ओ सी बी के, सेम यही प्रोसेस करेंगे, एंगल बी ओ एम इक्वल होगा इसके और इसके सम के, लेकिन मुझे पता है दोनों एंगल इक्वल है, तो सेम ऐसे प्रोसेस कर देंगे या फिर पूरा करके दिखाते हैं, एंगल ओ सी बी और प्लस एंगल ओ बी सी और ओ सी बी, ये ठीक है, मुझे पता है जो ओ बी सी है वो इक्वल ओ सी बी के है, जहां ओ बी सी लिखा वहां ओ सी बी लिख सकते हैं, तो एंगल बी ओ एम हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एंगल ओ सी बी के, बेटा ओ बी सी की जगह हम लोग ओ सी बी लिख देंगे, तो ओ सी बी और ओ सी बी का टू ओ सी बी हो जाएगा, ये क्वेश्चन हो गई सेकंड। इतनी यहां तक आपकी प्रूविंग हुई, आगे हम बात करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट एडिंग द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, जब इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड ऐड करेंगे तो एलएचएस को एलएचएस से ऐड करेंगे और आरएचएस को आरएचएस से ऐड करेंगे, तो एलएचएस में क्या है, ए ओ एम प्लस बी ओ एम, ए ओ एम उसका एलएचएस, बी ओ एम इसका एलएचएस इक्वल होगा ट्वाइस ऑफ एंगल ओ सी ए और प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल ओ सी बी, ओ सी बी, ठीक है। तो ए ओ एम और बी ओ एम ये और प्लस ये ए ओ एम और बी ओ एम यानी क्या हो जाएगा पूरा ए ओ बी, यानी पूरा एंगल हो जाएगा ए ओ बी इक्वल टू, यहां से अगर टू कॉमन कर ले तो बचेगा ओ सी ए प्लस एंगल ओ बी ओ सी बी, ठीक है। ओ सी बी और ओ सी ए पूरा मिलकर क्या हो गया, पूरा आपका एंगल हो गया ए सी बी, यानी यहां से आपकी जो थ्योरम थी वो प्रूव हो गई, प्रूव हो गई क्या गई, यानी ए ओ बी जो है वो ट्वाइस एंगल ए सी बी के, ठीक है, ये आपकी थ्योरम हो गई प्रूव। नेक्स्ट थ्योरम की ओर चलते हैं, अब बात की गई है एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल, ठीक है, फिगर बनाते हैं, कोई सेम सेगमेंट लेते हैं, पहले कोई ये आर गिवन है तो ये एक एंगल बन गया आपका और एक एंगल ये बन गया, दोनों सेम सेगमेंट में, ये मान लिया ए ये मान लिया बी, ये पॉइंट सी हो गया, ये हो गया डी, तो बोला गया दोनों एंगल जो सेम सेगमेंट में, ये सेम सेगमेंट है आपका, इस सेम सेगमेंट में एंगल जो दोनों बने क्या होंगे इक्वल होंगे, ये प्रूव करना है, कोई बात नहीं प्रूव करते, ये अपने वाले सेंटर ओ है, इसको डॉट लाइन से जॉइन करा लेंगे हम लोग इस प्रकार, तो यहां आप लिख लोगे, बाकी ज्यादा कुछ लिखना नहीं है इसमें, पिछली जो थ्योरम बताया उसका यूज है,
आपको मैंने क्या बताया था, जो सर्कमफेरेंस पे एंगल होता है वो इसका क्या होता है हाफ, यानी सेंटर वाला एंगल इसका डबल होता है। तो यहां से क्या हो जाएगा, एंगल एओबी, एओबी ट्वाइस होगा एंगल एसीबी के। इक्वेशन हो गई फर्स्ट, एओबी ट्वाइस होगा एसीबी के, और एंगल एओबी ट्वाइस होगा एंगल एओबी ट्वाइस होगा एडीबी के भी। इक्वेशन हो गई सेकंड, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, पहली और दूसरी इक्वेशन से हमें क्या पता चला, एलएचएस एलएचएस के इक्वल है तो आरएचएस भी क्या हो जाएगा इक्वल टू टू एंगल एसीबी इक्वल टू टू एंगल एडीबी, टू सी टू आपका क्या होगा कैंसिल, तो एंगल एसीबी इक्वल हो जाएगा एंगल एडीबी के। यहां से ही आपकी थ्योरम हो गई ट्रू। क्या बोला गया था, सेम सेगमेंट में एंगल इक्वल होते हैं, हम लोग क्या करा पहले एंगल ड्रा करके सेम सेगमेंट में, कि हमने कंडक्शन किया, रेडियस को ज्वाइन कर दिया सेंटर से, फिर मुझे पता है जो सेंटर पे एंगल होता है वो डबल होता है इसका, ये इसका भी डबल होगा, दोनों एंगल दोनों इक्वेशन इक्वल कर दिया, मेरा जो थ्योरम थी वो ट्रू हो गई। आगे बात करते हैं।